बोधगया थाना क्षेत्र के होटल एम्बेसी के समीत यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए क्षतिग्रस्त चेक पोस्ट के स्थानीय व्यवसायियों द्वारा आपसी सहयोग से मरम्मति कराई गई। सोमवार को बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत समाज सेवी सुरेश सिंह सहित अन्य ने उक्त चेक पोस्ट का उद्घाटन कर उसे जनता को सौंपा। काफी इसके लिए लड़ाई लड़ा कि भाई आप संशोधित रास्ता हमको दीजिए, क्योंकि बोधगया के स्थानीय लोग को परेशानी हो रही है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने हमारी आग्रह को स्वीकार किया था और चेक पोस्ट को वहाँ से बढ़ा करके यहाँ पर लाया था। अभी चूँकि जो पुलिस वाले होते हैं वह भी एक गरीब के बेटे होते हैं, अगर वह गरीब का बेटा नहीं होता, रोजगार की अगर उनके मन में भावना नहीं होती, बच्चों को पालने की भावना नहीं होती, तो कड़ाके के धूप में वो खड़े नहीं होते। हमें बहुत दुख के साथ कहना होता है कि सरकार ने चेक पोस्ट पर इनको लाया, लेकिन ना इनके लिए बाथरूम की व्यवस्था किया, ना इनके लिए पानी पीने की व्यवस्था किया, ना इनको रहने की व्यवस्था किया। हम बहुत बधाई देते हैं सुरेश जी को, नवीन बाबू को और भी जो लोग हैं सबको, कि कुछ नहीं तो सब लोगों ने मिलकर के इनके लिए सोचा, इनके लिए सोच करके इनको चेक पोस्ट किया। और चूँकि हम भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पे हैं, हम इनसे भी आग्रह करते हैं कि जो चीज़ आपको मिला है ये सुख शांति का संदेश के लिए हम लोगों ने दिया है, आपको यह एहसास कराने के लिए दिया है कि मानव जाति का जन्म एक बार होता है और भगवान बुद्ध की धरती पर भाईचारा कैसे स्थापित रहे, आपका मन यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कैसे मिलता रहे, आपके कोई एक प्रयास से यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसके उदाहरण स्वरूप इनको जो है हम लोगों ने इसको बना के दिया है। ये यहाँ पे एक्चुअली बहुत गर्मी रहता था और ऐसे खुले में सारे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट करते हैं, एक वहाँ पर भी बन रहा था, तो हम लोगों के मन में आया कि एक यहाँ भी होना चाहिए, तो मैंने पिछले उनसे भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश उनको दिक्कत आ रही थी, तो हमारे जो भी है मदद जनरल हम लोगों ने मिलकर एक पहल किया और कुछ लोगों को अपने जो वैसे साथी हैं डोनर हैं उन सब से रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा इसमें मदद करें, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो उन लोगों उनके सहयोग से और हम लोगों ने यहाँ पे निवास किया। सबसे बड़ी बात कि पेशाब उशाब करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कत है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने देखा कि विधायक जी से आग्रह किया कि पानी पीने का भी यहाँ दिक्कत है, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी जाती है, वो लोग पूरा प्यासे रहते हैं, कहीं कुछ है नहीं, तो उन्हें पानी वाला व्यवस्था कर दिया, हम लोगों ने यहाँ इंजन बनवा दिया, सेफ बनवा दिया और ये सारी सुविधाएँ हम लोगों ने यहाँ उपलब्ध कराया और आज इसी को हम लोगों ने हैंड ओवर किया।